नोएडा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा एक्सप्रेसवे पर दो बसों में टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की नोएडा एक्सप्रेसवे से आपको बता रहे हैं, जहां पर दो बसों की जोरदार टक्कर हुई है। तस्वीरें देखिए, जहां पर किस तरीके से दोनों ही बसों के परखच्चे उड़ गए। हालांकि कुछ लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी कितने लोग घायल हुए हैं और क्या किसी जानमाल का भी इसमें नुकसान हुआ है या नहीं, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त की नोएडा एक्सप्रेसवे से, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है, दो बसों की किस तरीके से जोरदार टक्कर हुई। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है हादसा कितना भीषण रहा, पूरी तरीके से बस के परखच्चे उड़ गए। यूपी के रायबरेली जिले में पुलिस को उस वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब वो अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश देने गई थी। पुलिस की टीम को गांव के लोगों ने घेर लिया और उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाले खुद की जान बचाने के लिए गांव से उल्टे पांव भागे और पुलिस टीम पर हमले का वीडियो भी बनाया। जब पुलिस वालों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो गांव वाले दबाव में आ गए और उन्होंने हमला रोक दिया। पुलिस ने टीम पर हमला करने वाली चार महिलाओं को गिरफ्तार किया। मामला बदोखर थाना क्षेत्र के हैबतपुर गांव का है, जहां पुलिस जमीन विवाद में एक परिवार से पूछताछ के लिए गांव पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी को जब पुलिस टीम ने घर से बाहर बुलाया तो कुछ महिलाओं ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, वहां एक कार ने कुत्ते को कुचल दिया। ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो कार उस कुत्ते को कुचल कर चली गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दो कुत्ते सड़क किनारे खेलते हुए नजर आए, तभी वहां से गुजर रही एक कार ने उनमें से कुत्ते पर अगला पहिया चढ़ा दिया, लेकिन उस कार ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और देखते ही देखते दूसरी भी उस कुत्ते के ऊपर से चढ़ा कर वहां से फरार हो गया। लोगों ने आरोप लगाया कि कार ड्राइवर ने जानबूझ कर कुत्ते पर कार चढ़ाई। इस हादसे में कुत्ते की मौत हो गई। वहां के लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी। हरियाणा के रेवाड़ी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, वहां चार बदमाश पिस्तौल दिखाकर पेट्रोल पंप पर उन्होंने लूटपाट की और ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो बदमाश पेट्रोल पंप कर्मचारी से पैसे छीनते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें चार लोग एक कार से निकलकर पेट्रोल पंप मशीन के पास खड़े कर्मचारी के पास जाते दिखे। जैसे वो उसके पास पहुंचे उन्होंने पिस्तौल निकाली और धमकाने लगे, जिससे पेट्रोल पंप कर्मचारी डर गया। उसने तुरंत पैसे निकालकर उन बदमाशों को दे दिए। इसके बाद बदमाश दूसरे पेट्रोल पंप कर्मचारी के पास पहुंचे और उसे भी धमकाकर पैसे छीनकर वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने फुटेज के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चौथे की तलाश जारी है। उनको पकड़ने के लिए जो है स्पेशल टीम का गठन किया गया था। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों पर हत्या और लूटपाट जैसे कई मामले दर्ज हैं। बदमाशों ने एक दिन में चार पेट्रोल पंप से करीब 1,00,000 रुपए की लूट की।